जैसा कि आप जानते हैं शिपिंग इंडस्ट्री एक बहुत ही अहम इंडस्ट्री है और दुनिया भर में ये बहुत बड़ी तजारत है। पाकिस्तान में भी 60 बिलियन के इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है और इस अगर सिर्फ हम इसी को देख लें कि अपनी जो हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसको अगर हम फाइनेंस अपने शिपों पर ले जाएँ तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में शिपिंग इंडस्ट्री एक बहुत ही निगलेक्टेड सेक्टर है और आपको ये सुन के बहुत अफसोस होगा कि जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त पाकिस्तान काजम के ख्वाहिश के मुताबिक पाकिस्तान के दो शिप्स समुंदर पे मौजूद थे, लेकिन 1970 तक ये नंबर्स बढ़ते बढ़ते 70 तक पहुँचे और लेकिन उसके बाद जो नेशनलाइजेशन 74 में हुई उसके बाद इसमें बहुत तेज़ी से डिक्लाइन आया है और आज शायद हमारे पास सिर्फ 10 या 11 शिप्स बचे हैं। शिपिंग इंडस्ट्री एक पोटेंशियली बहुत बड़ा जॉब क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी है जो इस पाकिस्तान जैसे मुल्क जहां इतनी बड़ी आबादी है उनके लिए बहुत ही एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए जगह पैदा कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ये इंडस्ट्री क्यों डिक्लाइन पर चली गई, इसके क्या वामिल थे, उस पर हम बात करेंगे। इस सिलसिले में बात करने के लिए मैंने दो एक्सपर्ट्स को दावत दी है, आइए उनका तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ मौजूद है कैप्टन कमाल कमाल महमूदी साहब जो कि मैरिटाइम ग्रुप के चेयरमैन हैं। ये बहुत सालों तक समुद्र पे वहाँ काम करते रहे, उसके बाद अब पाकिस्तान में आके इन्होंने ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू किया है। इन्हीं के साथ तशरीफ रखते हैं कैप्टन खलील रहमान साहब जो ओशनिक ग्रुप के चेयरमैन हैं और सर्वे वगैरह के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। कैप्टन कमाल साहब, ये एक मुल्क जहाँ इतनी बड़ी आबादी है, जहाँ इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, वहाँ इस इंडस्ट्री को क्यों हमने इग्नोर किया कि आज जो मैंने पता किया है और लोगों से कि 98% हमारी जो शिपिंग है वो दूसरों के शिपों पे हो रही है और खुदा न खास्ता अगर आज हमसे इंडिया से कोई हमारा टेंशन हो जाए या इस तरह कोई मसला आ जाए तो बड़ी सीरियस सिचुएशन पैदा हो सकती है कि हम दुनिया से कट ऑफ हो जाएंगे। हम अपनी फ्लीट क्यों नहीं डेवलप कर सके, हम हमारी जो फ्लीट डेवलप हुई थी 70 तक वो क्यों डिक्लाइन पे चली गई, उस पर ज़रा आप रोशनी डालें। लहरें बढ़ रही हैं साहब, बहुत शुक्रिया आपका इस मौजू पर, बड़ा अच्छा मौजू है जिस तरह से मुझे इन्वाइट किया। देखिए बेसिकली बात यह है कि ये सब बात नियतों की होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास जैसे आपने कहा कि 70 शिप्स है और फिर अब 10 गारे रह गए, इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह यह है कि उस वक्त बहुत से शिप ओनर थे, प्राइवेट शिपिंग थी, हर आदमी कंपटीशन में आपके पास 8 जहाज़ हैं तो मैंने कहा 9 जहाज़ मैं लाऊँगा तो बढ़ते चले गए। उसके बाद ये नेशनलाइज हो गई, जब नेशनलाइज हो गई तो पर्सनल इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, जब पर्सनल इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है तो करप्शन बढ़ जाता है। आपको पता है कि किसी की जेब से तो नहीं जा रहा, हर की जेब में आ रहा है। तो इस तरह से उनकी मेंटेनेंस हुई नहीं, जहाज की ग्रोथ बढ़ी नहीं और जो जहाज पुराने थे, ज़ाहिर जितने भी शिप ओनर सब प्राइवेट पुराने जहाज थे, कुछ लोगों ने एक दो जहाज नहीं खरीदे, ज़्यादातर पुराने जहाज, वो एज पे आने के बाद स्क्रैप शुरू हो गए। जब स्क्रैप शुरू हो गए तो स्क्रैप की वैल्यू ज़्यादा थी, लोगों ने कहा बेच बेच करके NSC ने पैसे बना लिए, NSC जो भी थी उस वक्त, उसका रिप्लेसमेंट नहीं हुआ जो होना चाहिए था। अब उसकी वजह से दो बहुत सख्त नुकसान हुए पाकिस्तान को, एक तो ये हुआ कि आपका एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो गया, जो सी फेरर थे वो बेचारे घर बैठ गए, उनके लिए जॉब्स नहीं थी, वो कहाँ जाए। वो तो थैंक्स टू द वोकल्स की उन्होंने अपनी शुरू की और आज पाकिस्तान मर्चेंट नेवी में आपको ज़्यादातर मैं कहूँगा 80-85% जो अब आपको को मिल रही है ये सब हमारे ट्रेन किए हुए हैं, वोकल्स जो बना है ना वोकल शिपिंग का। और हमारे पास हमने एक हेड ऑफिस था दुबई का, एक जनेवा था, एक लंदन था और हम 305 जहाज हैंडल करते थे। तो हम कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तानी लोगों को हम लेके आए, तो आज जितने भी कप्तान चीफ इंडिया या जूनियर थे तो वहाँ से निकले हुए लड़के, पहले बख्शाइन फेंकते थे जिसमें मैं पहले हुआ करता था और कैप्टन खलील भी उसमें होते थे, उनकी ज़्यादातर उनकी ग्रोथ थी। जब वो ख़त्म हुई तो अब पाकिस्तान के लड़के कहाँ जाएँ? अब ये हो रहा है कि इंजीनियर्स की भी खपत है, वो चले जाते हैं, लेकिन नॉटिकल के लड़के कहाँ जाएँ? अब इस वक्त PNSC की बिल्डिंग भरी हुई है लेकिन फ्लोटिंग स्टाफ कुछ भी नहीं है, तो ना उनके लिए एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, PNSC के अलावा एक NSC भी तो है? नहीं, वो एक ही है। अच्छा, PNSC अब उन्होंने पहले वो ऑयल की एक थी और ये थी, दोनों मर्ज करके बेक कर दिया है।
अब यहां भी हो रहा है कि जो जो जहाज फ्लीट बढ़ रही है, टेरेज बढ़ रही है, लेकिन नंबर ऑफ जहाज कम हो रहे हैं। अब जो जहाज इधर बढ़ रही है उधर जहाज स्क्रैप में जा रहे हैं, वो खत्म हो रहे हैं। तो टोटल जो रिक्वायरमेंट है जो फ्लोटिंग स्टाफ की, वो तो कम होती जा रही है, जॉब्स भी कम होते जा रहे हैं। अब वी आर लुकिंग आउटसाइड। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऐसे लोग हैं जिनके जहाज बाहर चल रहे हैं। अच्छा, और पाकिस्तान क्यों नहीं लेके आते, पाकिस्तान के फ्लैग में क्यों नहीं करते? उसकी तीन चार वजूहत है। एक तो देखिए वजह यह है उसकी कि पाकिस्तान में अगर मैं एक जहाज रजिस्टर करता हूं या दस जहाज रजिस्टर करता हूं तो एक कंपनी एक फ्लैग है। सबसे बड़ी एडवांटेज हम इंडिया नहीं जा सकते, जो नेक्स्ट अच्छा। हमारा प्रोटोकॉल साइन किया, खबर आई थी ना कि इंडिया ने प्रोटोकॉल साइन हुआ है, लेकिन उसको कोई फेमस तो कि हमारा क्रू, क्योंकि हम लोग मैन्युफैक्चर भी करते हैं, क्रू भी हमारी, और अभी हमें इंटरनेशनल लाइट ने अवार्ड भी दिया है मैरिज इसके ऊपर, सब लोग मैनेजमेंट के ऊपर। हम इंडिया का क्रू ज्वाइन करने बैठे हैं तो वीजा नहीं मिलता, ये कैसा प्रोटोकॉल है? कार्गो ले नहीं सकते वहां से, तो प्रोटोकॉल कैसा हुआ? दूसरी चीज ये अमेरिका के साथ भी प्रॉब्लम कि हमारे पाकिस्तान फ्लैगशिप जाए, पाकिस्तान क्रू के साथ प्रॉब्लम है, फ्लैग के साथ और प्रॉब्लम होगी। तो लोगों ने जहाज रजिस्टर कर लिया, अब उनसे क्या हुआ कि ना उनको टैक्स देना पड़ता है लोकल गवर्नमेंट में, ना उनको एफआईए से बदना पड़ता है, ना उनको करप्शन के इदारे हैं, जितने करप्शन के माशाल्लाह फूलते फूलते इदारे हैं उनको किसी को कुछ नहीं मिलता। वो अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, उनको ऑफिस लेने की जरूरत नहीं है, उन्होंने ऑपरेशन एक को दिया हुआ है, मैनेजमेंट एक को दिया हुआ है, चार्टिंग किसी को दी है, उनको जहाज चलना है तो हम लैपटॉप खोलते हैं, जहाज की पोजिशन देखते हैं, प्लस माइनस देखते हैं, अल्लाह खैर अल्लाह, कोई बराबर नहीं। तो ये सारी साहब, आप तो साहिब किताब भी हैं, ये शिपिंग सिनेरियो इन पाकिस्तान जो आपने लिखी मेरे ख्याल में वाहिद किताब होगी इस टॉपिक पे, तो आप जरा तफसील में बताएं कि ये जो 93 के बाद आपने किताब में लिखा डी रेगुलेशन भी हो गई, पहले तो 74 में नेशनलाइजेशन हुई, 93 के बाद उन्होंने कहा कि चलो जो गलती हो गई अब फिर से आप लोग आ जाएं और फिर से शिप चलाएं। 93 से लेकर अब तक क्यों ग्रोथ नहीं हो पाई? जावेद साहब, मेरा ख्याल ये है कि डी रेगुलेशन हो गई, शिपिंग की ऑर्डिनेंस भी आया है, लेकिन सही मानों में जो शिपिंग की स्पिरिट पैदा होना चाहिए वो कभी पैदा नहीं हो सकी, और जो नेशनलाइजेशन करने से जो एक झटका जो लगा था, वो आप ये सोचिए कि अगर आपके 15 जहाज हों, उससे रिलेटेड जो रिपेयर वर्क शॉप हो और बहुत सारी चीज़ें हों और वो यक जुम्बेश ले ली जाएं, तो उसका झटका काफ़ी बड़ा होता है। लिखा कि उनको बेचारों को अपने ऑफिस सुबह को जाने नहीं दिए गए, एक रात में सुबह वो पहुंचे तो नहीं जाने दिया, अक्सर जो है मेंटल केस हो गया। तो वो मेंटल तो खैर कोई नहीं हुआ था, लेकिन डेफिनेटली वो एक इस किस्म का जर्क लगा है कि जो वाकई शिपिंग मैग्नेट वर्ल्ड के थे उस जमाने में, लाइक आप एडवी डिशा को अगर देखें, कावचीज को देखें, दूसरे उसके अंदर मौला बख्श साहब थे जिनकी बख्शलाएं थी, जहां से हम लोग पैदा हुए हैं, पैन इस्लामिक थी जिसने, मतलब ये वो लोग थे जिन्होंने के बड़ा नाम पैदा किया है वर्ल्ड शिपिंग में पाकिस्तान का, तो जाहिर है कि उनको झटका लगा और वो तो फिर शिपिंग में आए ही नहीं, यानी उनमें से कोई पाकिस्तानी शिपिंग में आया, उन्होंने तक रास्ते में देखा नहीं कहीं नहीं, बाहर तो कुछ लोगों ने किया और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन ये कि वो फिर पाकिस्तान नहीं आए। अब जैसा आपने कहा कि 92 में फर्स्ट हुई और मुस्तकिल होती रही, उसका भी क्या, एक जहाज जो पुराना एक एक्स शिप ओनर था वो मिलवाला जो था ग्रुप, वो लेके आया टेस्ट केस में, उसका वो हशर किया उस जहाज का हुआ कि उसको अल्टीमेटली बने बने स्क्रैप करना पड़ा। वजह क्या थी? भाई वो स्क्रैप हो गई, उसकी वजह ये है कि वो जो गजट नोटिफिकेशन ही नहीं आया, तो वो जो ड्यूटी का मामला था वो वहां रहा, तो उस वजह से कोई कॉन्फिडेंस पैदा नहीं हो पाया। दूसरा जैसे चीज है कि मैं हमेशा एक बात ये कहने की कोशिश करता हूं कि आप शिपिंग को दूसरी इंडस्ट्री से मुकाबला नहीं कर सकते। क्या मेरे कहने का मतलब यह है कि आपने इंसान की जिंदगी में उसमें देखा होगा कि हम कहते हैं कि दे आर दी स्पेशल चाइल्ड, जो जिनके अंदर कुछ, शिपिंग इंडस्ट्री जो है वो एक स्पेशल इंडस्ट्री है,
उसकी प्रॉब्लम्स उसकी ग्रोथ के लिए आपको बहुत ही एहतियात से और बहुत सोच समझ के चलना चाहिए। आप अगर वही रेगुलेशन रखना चाहें शिपिंग इंडस्ट्री के लिए भी जो आप कहते हैं कि साहब टेक्सटाइल के लिए है या फ्लाने के, इट्स नो क्वेश्चन एट ऑल। यानी कि अगर एक ब्यूरोक्रेट को बना दिया जाए शिपिंग का हेड जैसे पीएनएस है या एनएससी, तो ही कैन नॉट मैनेज इट एट ऑल। नहीं, मैं खैर यहाँ डिफर करता हूँ कि ब्यूरोक्रेट मतलब आज की अगर ब्यूरोक्रेट या उसको कॉमन सेंस अगर इस्तेमाल करे और समझने की कोशिश करे तो कोई मुश्किल नहीं है। वो पहले ये समझने की तो कोशिश करे कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। वो हो सकता है बशर्ते कि उस पर सलाहियत हो, लेकिन अगर सलाहियत नहीं है तो वो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, या सलाहियत के साथ अगर नियत की खराबी है तो नहीं समझ में आएगा। तो हमारे यहाँ जो भी शिपिंग को ऊपर लाने के लिए एफर्ट्स की गई है वो बिल्कुल उनके अंदर सिंसियरिटी नहीं थी। ये नहीं समझा गया कि ये शिपिंग जो है इट्स नॉट लाइक अदर इंडस्ट्री, तो उसको ऊपर आना नहीं था। उसके बाद साथ में अगर ये किया भी गया तो ये नहीं देखा कि दुनिया अब कहाँ पहुंच चुकी है। अगर आपने उसी लेवल पे लाने की कोशिश की जो आपने 74 में नेशनलाइज कर ली थी वहां लाए, तो आप एट पार तो नहीं होंगे ना दुनिया से, आप कहाँ मुकाबला कर सकेंगे। आप समझिए कि जहाज खड़ा हुआ है, मान लीजिए कि न्यूयॉर्क में है या लंदन में है, उस पर कोई प्रॉब्लम आ गई, अब आप उसके परमिशन के लिए इतना टाइम लगा दें तो वो जहाज वहां उसका बेअर हो जाएगा, उसका एम्प्लॉयमेंट चला जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि वो जो शिप ओनर्स पाकिस्तान में थे उसके बाद से अगर किसी शिप ओनर ने कोशिश भी की, ट्राई स्टार ने कोशिश की, बट आई एम सॉरी टू से उनको, वो खुद भी मेरा ख्याल है कि उनको शिपिंग का हिज्जा नहीं आता था। और ये डेफिनेटली अगर हम जैसे लोग यानी कैप्टन्स या एक्सपीरियंस रहे भी होंगे, लेकिन वंस यू कम इन ए रिलेशनशिप कि आप मेरे एम्प्लॉयर हैं या आप मेरे ओनर्स हैं, मेरे पास वो फ्रीडम नहीं होगी काम करने की। अगर आपके अंदर ये जज्बा नहीं हो कि आप कुछ वाकई आप मुझसे जो मेरी एक्सपर्टीज उससे कुछ हासिल करें, तो पूरे थ्रू आउट ये रहा। फिर उसके बाद में दुनिया में एक पहलू ये भी रहा कि अगर पहले एक जहाज जो था उसकी मान लीजिए तो जहाज बहुत बड़े हो गए ऐसे कैप्टन महमूदी ने कहा, लेकिन अगर मैं एक एवरेज कर लूँ कि 35,000 टन के जहाज की अगर उस जमाने में कीमत कुछ और थी तो वो कीमतें भी बहुत हो गई हैं, तो कैपिटल की बेइंतहा जरूरत है। तो हमारे गवर्नमेंट लेवल पे अगर आपको नेशनल शिपिंग को प्रोड्यूस करना है इन ए प्राइवेट सेक्टर, मैं हमेशा से कभी मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ गवर्नमेंट की किसी इंडस्ट्री के, मैं कहता हूँ वो भी जरूर रहे शिपिंग तो भी हो, लेकिन ये ना कि कंपटीशन है, मस्ट बी ट्रीटेड एट इक्वल एट पार। मैंने जब जैसा आप कह रहे हैं कि वो बिल्कुल था, लेकिन हमेशा से जब से एनएससी बनी थी उनको प्रेफरेंशियल था, यानी पीएससी भी ऑपरेट करती थी लेकिन वो बेचारे डिफरेंस बिटवीन पीएनसी और एनएससी, जब 62 या 61 में जब उन्होंने ये जरूरत महसूस की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कि हमारी एक अपनी नेशनल लाइन होना चाहिए। अच्छा। और उसकी वजह ये बताई गई कि हमारा कोस्ट इतना बड़ा है और हमारा अगर ये फ्लीट होगा तो ये भी वक्त जरूरत पे उसके लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, वॉर वगैरह हो जाए वगैरह, गवर्नमेंट की जो कश्तियां हैं वो तो आना जाना करती रहे, वो उनका मतलब नहीं समझता। आप टेम्पररी उस पर अगर आप फंसे गनबंद भी लगा दें और दो चार देवी के ऑफिसर्स भी डाल दें, बाकी हम लोग होंगे, ये भी मुमकिन रहा हो चूंकि जहन में बात आई होगी। हाँ। लेकिन वो भी मैं समझता हूँ कि बेसिकली ठीक है, जब बुरा वक्त आएगा तो जहाज क्या हो कश्ती क्या है हर चीज नेशनल इंटरेस्ट में यूज हो सकती है, लेकिन वो जब क्रिएट हो गई तो उस शिपिंग को प्रेफरेंस देना शुरू कर दिया हर लिहाज से। अच्छा, वहां पे लेकिन जो शिप ओनर थे प्राइवेट ओनर्स थे जो नाम था डिफरेंट 12-13 कंपनियां थी, वो उनसे कंपीट करते रहे और उनसे ज्यादा प्रोड्यूस करके प्रॉफिट दिया। जब भी इनकी आंखें नहीं खुली उसके बाद में जुल्म ये किया गया कि जो एनएससी थी वो जो पाकिस्तान शिप इन्होंने उसको भी नेशनलाइज कर लिया और पाकिस्तान शिपिंग कॉर्पोरेशन बना ली। अच्छा, तो ये जो 12 डिफरेंट लोग कंपनी को भी ले लिया और वो एनएससी चल रही अभी मर्ज नहीं किया, अब वो पाकिस्तान शिपिंग कॉर्पोरेशन चलती रही। अच्छा, फिर उसको जाके 74 में किया, उसके 75 या लेट 74 में उसको भी नेशनलाइज करके पीएनएससी बना दी गई। अगर ये पीएससी भी रखते
तो भी गनीमत था कि एक चैलेंज था, कंपटीशन था। लेकिन पीएससी को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता था कि वो लोग जो उसका उस वक्त एमडी था वो भी एक सिविलियन थे, वो उसको करता था, मैनेजमेंट था, लेकिन वो नहीं किया गया। तो ये सारी चीजें जो तरक्की नहीं कर सकी, कोई हमारी सिंसियर एफर्ट्स ये समझ के कि शिपिंग की क्या रिक्वायरमेंट है, शिपिंग क्या चीज है, ये कैसे इसको करना चाहिए, कोई चीज ऐसी नहीं की गई। अच्छा, मतलब आपको तो फिर आता हूं, ये जो हमने देखा, हम इस पर हम चार्ट भी दिखाएंगे कि किस तरह से ये ऊपर गया और नीचे गया, ताकि हम लोगों को पता चले। डिक्लाइन जो होने तो हो गई और हम आप डिस्कस कर चुके। अब आपसे ब्रेक के बाद मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपकी क्या तजवीज़ है कि अभी भी हम देखिए 10 करोड़ लोग हैं, उनको जॉब चाहिए, आप ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको हाउ टू फैसिलिटेट दम। तो हम अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। नाज़रीन, हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।